उसने बोला है कि शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट फरजीन, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत मजेदार जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए, उसको डिस्कस करेंगे. और टॉपिक का नाम है ब्रिजिंग इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप. अब इसके अंदर जो चीजें हम डिस्कस करेंगे उससे पहले हम हमारे आज के एक्सपर्ट से मिलेंगे. ही इज नॉट ओनली द एक्सपर्ट, वो एक लेक्चरर हैं और आईटी एक्सपर्ट हैं, और डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारी चीजों के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है. उसके बारे में भी हम जानेंगे. तो मैं वेलकम करती हूँ सर आपको. Thank you for having me on this channel and having making me part of this discussion. Thank you. We have ऑनर्ड सर. तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक आपने ढूंढा है जिसके ऊपर बहुत रेयरली काम हुआ हुआ है और बहुत रेयरली लोगों को पता है कि ये जो एक गैप आता है स्टूडेंट्स में, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और जो स्किल्स उनको दिए जाते हैं, इस सब के दरम्यान में एक डिफरेंस आता है. तो उस डिफरेंस को हम लोगों ने आज जानना है. तो सर हमें थोड़ा सा बताएं कि ये ब्रिजिंग इंडस्ट्री और एकेडेमिया गैप क्या चीज है, इसको हम किस तरह से एलाबोरेट करते हैं, आईटी एक्सपर्ट किस तरह से बताते हैं इसको. राइट, थैंक्स। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ कि हाउ दिस थिंग एक्चुअली केम अप और व्हाट वाज द रूट कॉज, और फिर हमने व्हाट वी हाउ फार वी हैव गॉन। तो इसका बेसिकली रूट कॉज ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आप समझो कि अराउंड 190 ऑड यूनिवर्सिटीज हैं। दिस इंक्लूड पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, और दोनों के मिला के साल के अंदर आप समझिए कि तकरीबन 25,000 से 30,000 आईटी ग्रेजुएट्स होते हैं हर साल। अच्छा, अब इसमें इश्यू ये आता है कि जो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स हैं, यानी वो ग्रेजुएट्स जिनको सॉफ्टवेयर हाउसेस या आईटी फर्म्स हायर कर सकते हैं और हु मीट द क्राइटेरिया ऑफ द फॉर गेटिंग हायर्ड, वो दैट्स नॉट मोर देन मैक्स ऑफ 20%। तो अगर इसको मैं न्यूमेरिकली देखूं तो लेट्स से अगर 25,000 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं तो 20% वुड बी लाइक 5,000, राइट। अब आपको ये पता है कि कंप्यूटर साइंस स्टडीज आर नॉट वेरी चीप, ये बहुत महंगी स्टडीज है, राइट। तो ऑब्वियसली एक सेमेस्टर की फीस अगर आप टॉप नॉच किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, दैट्स आई मीन 1 लाख 1.5 लाख एक सेमेस्टर की फीस है जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। आई वोंट गो इनटू नेम्स। अगर हम मिडिल टियर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इट्स नॉट लेस देन 60-70,000 पर सेमेस्टर। तो 8 सेमेस्टर होते हैं तो यू कैन जस्ट डू द न्यूमेरिक, मतलब 7-8 लाख फीस मतलब है एक टू कंप्लीट अ 4 ईयर ग्रेजुएट स्टडीज। अच्छा, अब इसमें इश्यू ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेट करता है एचएससी, राइट। मतलब यूनिवर्सिटीज आर सपोज टू फॉलो द करिकुलम ऑफ एचएससी के आपने इतने कोर कोर्सेज कराने हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्टिव कराने हैं, इतने नंबर ऑफ आपने ऑप्शनल कोर्सेज कराने हैं और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं एंड स्टफ लाइक दिस। अच्छा, जो बच्चे को कंप्यूटर साइंस में आप समझें जॉब मिलती है ना, वो बेसिकली कोर कोर्सेज के बेस पे मिलती है, ठीक है। अच्छा, हमने एनालिसिस किया कि जी कोर कोर्सेज कितनी हैं 40 कोर्सेज में से, मतलब टोटल एक किसी भी डिग्री स्ट्रक्चर में 40 कोर्स होते हैं। जो कोर कोर्सेज है ना वो तकरीबन 8 से 10 है, राइट, जो कि तकरीबन बनता है 25% मैक्स। अच्छा, अब इश्यू कहाँ पे आ रहा है? इश्यू ये आता है कि बच्चे को हम ह्यूमैनिटीज के कोर्स, फॉर एग्जाम्पल मुताले पाकिस्तान, कैलकुलस, जो नॉन कोर कोर्सेज हैं, उसमें उसमें बच्चों को हम माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा रगड़ा लगाते हैं, तो बच्चे के ग्रेड ए आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो कोर कोर्सेज है ना, लाइक मैं अगर इफ आई नेम कि प्रोग्रामिंग बेसिक फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेब इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये 7-8 कोर्स हैं। अगर ये बच्चा सही तरीके से कर ले, अब सही तरीके की डेफिनेशन ना, एक्चुअली दिस इज वेयर द डिफरेंस कम। सही तरीके को करने का मतलब जीपीए नहीं है, यानी उसका ग्रेड ए आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने सही तरीके से पढ़ा। अब मतलब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर है ना, कि एचएससी जो रिकमेंड कर रहा है कोर्स करिकुलम, एक तो उसका अपडेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ा रहे हैं इट हैज टू बी टॉट द वे इट इज सपोज टू बी टॉट। मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे टॉट इन देयर ओन वे, राइट। तो
उसका कोई यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इवेल्युएशन का क्राइटेरिया नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जो एचएससी करिकुलम रिकमेंड करता है। अच्छा, अब करिकुलम रिकमेंड करने का इश्यू ये आता है कि आपको पता है कि आईटी एक वाइड फील्ड है जो कि बहुत जल्दी चेंज होती है, इट्स चेंजिंग ऑन अ राइट अ ट्रेमेंडस पेस। अब करिकुलम को अपडेट को जो ये लोग अपडेट करने का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, लेबोरियस है, मतलब इट्स टिपिकली ब्यूरोक्रेटिक। तो इट्स लाइक दिस कि जो बच्चे को एचएससी के हिसाब से हम चीज पढ़ा रहे हैं वो आप समझे कि वो 2012-13 की पढ़ा रहे हैं, और बच्चे ने ग्रेजुएट होना है 2020-21 में। अब 2012-13 मैंने बहुत जल्दी बोल दिया है, जस्ट टू कि बहुत ज्यादा ना हो थोड़ा, लेकिन मतलब कुछ कोर्सेज हैं जो अभी 2003-04 के पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब बच्चा जब पढ़ के, अब इस सिचुएशन में बच्चे का कसूर, क्योंकि मतलब बच्चे का कसूर इतना नहीं है, अब बच्चे को तो अब मतलब जो बच्चे को पढ़ाएंगे बच्चा पढ़ लेगा। मसला किधर आता है, जब बच्चा जॉब लेने जाता है ना, तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हायरिंग करनी है, लेट सपोज मैं कहता हूँ बच्चे को कि मुझे ना लेट सपोज रिएक्ट एक टेक्नोलॉजी है हमारी, मुझे रिएक्ट के डेवलपर्स चाहिए, या लारावेल एक हमारी टेक्नो एक फ्रेमवर्क है उसके डेवलपर्स चाहिए। अब लेट सपोज मैंने जॉब वैकेंसी पोस्ट की है rosie.com के ऊपर, इंडीड के ऊपर, जितने भी जॉब पोर्टल है, तो अब मैं जो आपको न्यूमेरिक बताने लगा ना, ये एक्चुअल है, मतलब ये आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग, और वहां से फिर ये आइडिया निकला था। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी के रेक्टर थे उनको बोला कि जी मुझे अपने ग्रेजुएट्स की लिस्ट दे दें, तो मैं वो लिस्ट अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता हूँ, दे विल बी कॉलिंग देम फॉर इंटरव्यू, क्योंकि आई वॉज टीचिंग इन दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो ही फॉरवर्ड मी लिस्ट ऑफ लाइक 70-80 स्टूडेंट्स विद अ वेरी गुड जीपीए। अच्छा, वो मैंने एचआर को दे दिया, फिर एचआर ने पता नहीं अपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, उनका जो एचआर का प्रोसेस है ना, वन गुड डे आफ्टर लाइक 3-4 वीक्स और अ मंथ दे केम बैक टू मी, उन्होंने कहा शराब साहब आपने किन बच्चों के सीवीज दिए हैं। मैं कहा क्या हुआ है, मैंने कहा उनके जीपीए तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहते शाह साहब बिलीव करें हमने कोई मतलब उनमें से 30-40 बच्चों को बुलाया, एंड वी डिड मतलब उन्होंने पूरा महीना विगरस इंटरव्यूज ही किए, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए अर्जेंट और टीम बिल्ड करके देनी थी क्लाइंट को। तो कहते जी आउट ऑफ 40 मतलब हमें 4-5 लोग लगे जिनको कुछ आता है, और उन 4-5 को जब हमने ऑफर्स की ओनली 2 ज्वाइन। ठीक है, अच्छा जब हम हायरिंग करते हैं ना सॉफ्टवेयर हाउसेज में तो इट कॉस्ट अलॉट, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल लेवल के इंटरव्यूज होने हैं, पहले टेक्निकल बंदा करेगा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, उसके बाद कोई ना कोई सीनियर मैनेजमेंट में से बंदा करेगा। तो सॉफ्टवेयर हाउस इज बेसिकली अ कमर्शियल एंटिटी, तो उसमें आपको आवरली कॉस्ट पड़ती है। तो इफ यू डू मतलब जो क्रक्स था वो ये था कि मैंने अगर एक हायर करना है तो आई हैव टू डू लाइक 20-25 इंटरव्यूज। ये मैं फ्रेशिस की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। और रीजन बड़ा मजे का है, रीजन मजे का ये है कि बच्चे कहते हैं सर कि मतलब अब कंप्यूटर साइंस में बच्चों ने बेसिकली जॉब प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ना फीडबैक फॉर्म शेयर किया, अच्छा ने कि सर ये आप खुद पढ़ लें। अच्छा, उसमें बड़े मजे के कमेंट्स थे, बच्चे से हमने क्वेश्चन पूछा कि जी फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने बेसिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा, तो बच्चा कहता है सर ये तो मैंने ऑप्शनल में छोड़ दिया था, मतलब ये तो हमने कहा भाई तुम्हारा जीपीए मतलब हाउ यू हैव हिट ग्रेड ए इन दैट कोर्स, यू हैव लाइक जीपीए ऑफ 3.8। कहते सर आपको पता है ना पास मतलब कॉपी पेस्ट से हो ही जाता बंदा। अच्छा, नाउ दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट, हुआ क्या कि इसका रिजल्ट क्या है कि दिस इज शोइंग अ रिफ्लेक्शन एक्चुअली। तो मैंने वही कमेंट्स पकड़े एज इट इज, एक्सेल शीट उन्होंने मुझसे शेयर की एज इट इज, मैंने जिन रेक्टर ने मुझे ये फॉरवर्ड किया था ना मैंने एज इट इज उनको फॉरवर्ड कर दी एज इट इज, कि मैंने सिर्फ FYI लिख दिया और मैंने लिखा कि प्लीज डू समथिंग। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली अगले दिन कॉल किया, उनका क्या कैन वी हैव अ मीटअप मैच, आई वेंट देयर, तो वो मुझे ना एक ऑफिस में ले गए। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि ये हमने एक ऑफिस स्टैब्लिश किया हुआ, इट वाज सपोज्ड टू बी अ सॉफ्टवेयर हाउस बट आई डोंट नो हाउ टू मेक इट हैपन। मैं कहा आप करना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वही करना चाहता हूँ जो आपने मुझे कल एक्सेल शीट भेजी थी, ये वही चीज है, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर लास्ट लाइक 2 ईयर्स लेकिन आई एम अनएबल टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। तो वो कहते हैं ये मसला हमें पता है, जैसे मैंने शुरू में बोला ये मसला सबको पता है लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली किसी के पास। तो फिर हमने कहा कि हम इसको लेट्स डू अ स्मॉल पायलट आउट ऑफ इट, हम पायलट करते हैं। तो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली केम इनटू बीइंग। अच्छा, फिर हमने पायलट इस तरीके से किया, हमने कहा जी कि एक गैप इसलिए एग्जिस्ट करता है कि यूनिवर्सिटीज और जो आईटी इंडस्ट्री है दे आर वर्किंग इन आइसोलेशन, यानी यूनिवर्सिटीज को नहीं पता कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है और
जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है उनको नहीं पता हाउ यूनिवर्सिटीज वर्क। टिपिकल कोई यूनिवर्सिटी होती है वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक होती है, मतलब अगर आपने कोई नया कोर्स भी लॉन्च करना है, आई नो बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी अर्लियर, आई नो इट हाउ हार्ड इट इज। लेकिन जब आप कमर्शियल एंटिटी से बात करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस से बात करते हैं, आई मीन दे डोंट हैव टाइम, सिंपल स्पीकिंग दे डोंट हैव टाइम फॉर दीज ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स। मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी, आई मीन इफ इफ आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ सर्टन थिंग हैपन, इट विल हैपन लाइक इन अ डे और सो मैक्सिमम। लेकिन अगर वही चीज मुझे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में करनी है तो बिलीव मी और नॉट, उसकी फॉर्म फिल कर लें, अप्रूवल लें, फलाने की अप्रूवल, फलाने की अप्रूवल, ऊपर के ऑब्जेक्शन लग गया, इट्स लाइक इट्स पेन, इट्स हेडेक। तो हमने क्या हेलो कहा, द फर्स्ट थिंग आई आज द डायरेक्टर, मैंने कहा जी के आई नीड वन विंडो ऑपरेशन, वन वन विंडो अप्रूवल। उन्होंने कहा यस, मैं अभी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सेकंड थिंग दे मेंशन के जी के मैंने कहा कि जी आई वांट टू डू इट इन माय वे बिकॉज इट्स अ पायलट, तो आई विल बी इन्वॉल्विंग अ गाइज फ्रॉम इंडस्ट्री, राइट, ओनली इंडस्ट्री। तो और तीसरा हमने कहा कि जी हम थर्ड जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं जो सातवें सेमेस्टर में होते हैं, वी विल इंडक्ट देम, अच्छा जी जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, हम उन्हें इंडक्ट करेंगे उसी पैटर्न पे जैसे जॉब में हम हायरिंग कर देंगे। पहले उनका हम इंटरव्यू करेंगे, फिर उनको हम जॉब टेस्ट लेंगे, कोई सर्टन क्राइटेरिया वो पास करेंगे तो फिर हम उनको सॉफ्टवेयर हाउस में इंडक्ट करेंगे। दे सेड यस। तो पहले बैच में हमने कोई 8-10 बच्चे हायर किए। अच्छा, हमने किया क्या, हमने पहले दिन उनको बोल दिया कि अब आप लोग यूनिवर्सिटी में नहीं हो, अब आप लोग हो एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट में, मीन दे हैव टू वर्क फ्रॉम 9 AM टिल 10 PM, यानी 13 घंटे। तो जब हमने उनको ये न्यूज बताई कि यू हैव टू वर्क 13 आवर्स, तो उनका पहले रिएक्शन ये था कि सर मतलब ये कैसे होगा। तो मैंने कहा कि अगर आपने, और दूसरे मैंने उनको बोला कि अगर आप इस इनिशिएटिव से गुजर जाते हो, यानी इफ यू पास दिस जिसको हम लोग रगड़ा बोलते हैं, तो रेस्ट अश्योर्ड यू विल गेट द जॉब। अब क्योंकि वो स्टार्ट था तो ऑब्वियसली दीज वर वर्ड्स, तो जब हमारे पास रिजल्ट तो था नहीं, तो वी स्टार्टेड विद लाइक 10 स्टूडेंट्स आई रिमेम्बर। तो एवरीवन एवरीबॉडी फ्रॉम इंडस्ट्री वाज देयर, एंड द गुड थिंग वाज नोबडी वाज फुल टाइम देयर। तो स्टूडेंट्स वर वर्किंग फ्रॉम 9 AM टिल 10 PM 5 डेज अ वीक जस्ट लाइक एनी अदर जॉब। और इंडस्ट्री के लोगों को मैंने एंगेज किया रोटेशनल बेसिस पे। फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर हाउस का टीम लीड है, वो 2 घंटे आके बच्चों को एडवाइस कर दे, 2 घंटे बच्चों को ट्रेनिंग दे दे, मैं कभी चला गया, कभी टीम लीड चला गया, तो देयर वाज नोबडी फुल टाइम एंड स्टूडेंट्स वर वर्किंग लाइक 13 आवर्स अ डे। क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, वी हैव स्काइप, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो वी रन दिस शो ओवर स्काइप, राइट। अच्छा, अब 8-10 महीने ये हमने ये किया। अब इसका रिजल्ट बड़ा मजे का आया। जब पहला बैच निकला ना तो 10 स्टूडेंट्स है, और मैंने कुछ शुरू में गोल मेरा ये था कि बच्चों के पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स होने चाहिए बिफोर इवन दे ग्रेजुएट। तो जब पहला बैच निकला उसमें 10 बच्चे थे, तो 10 में से 9 बच्चों को हमने इतना अच्छा ट्रेन कर दिया, मतलब उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो मार्केट की नीड थी, कि दे गेट लाइक 4-5 जॉब ऑफर्स। अच्छा, अब हुआ क्या, अब ऑब्वियसली मैंने भी कहीं रेफर किया उनको कि फॉर इंटरव्यू के, फॉर इंटरव्यू, क्योंकि आईटी में आप किसी को इंटरव्यू के लिए रिकमेंड कर सकते, हायर नहीं करवा सकते अनलेस एंड अनटिल उसके पास स्किल ना हो। अच्छा, अब हुआ क्या, जहां जहां मैंने रेफर किया था ना, अब वहां के एचआर से ना मुझे कॉल आना शुरू हो गई कि सर ये बच्चा हमें ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आप प्लीज इसे कहें कि ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा यार इश्यू ये है कि अब एक बच्चा है, उसके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हैं, आई कांट डू एनीथिंग। अब ये उसका डिसीजन है, ठीक है, उसके उसको पता है, उसको स्किल आती है, उसको पता है कि उसके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हैं। नाउ इट्स बिटवीन यू एंड हिम, आई एम आउट ऑफ इट। कहते सर आप थोड़ा इन्फ्लुएंस यूज करें, क्योंकि हमें आईटी में बहुत बड़ा मसला पड़ता है कि प्रोजेक्ट हमारे पास होते हैं और बंदे नहीं मिल रहे होते, तो नहीं राइट ह्यूमन स्किल, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। और उस बंदे ने मुझे ये बोला सर हम पिछले 2 महीने से कोई 30-40 इंटरव्यूज कर चुके हैं, हमें काम का बंदा ही नहीं मिल रहा, और ये पहला बंदा आपने रिकमेंड किया है, इसका हमने 2 इंटरव्यू किए हैं एंड वी ऑफर हिम, और अब ये कह रहे मैंने ज्वाइन नहीं करना, तो ये हमारे लिए जरा मसले वाली बात है। तो अच्छा, ये पहला साल गुजरा, तो दिस इज हाउ दिस दिस थिंग केम इनटू बीइंग। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि हमने किया क्या एक्चुअली, व्हाट व्हाट वी डिड, एंड इट्स लाइक 6 ईयर्स, और जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं यहाँ से, उनका जो जॉब सक्सेस रेट है ना, इट्स मोर देन 90%। कि हमने, मुझे याद पड़ता है, अराउंड हमने 300+ बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं अभी इस प्रोसेस के जरिए।
और उसमें से अराउंड 270 के 260 मेरे पास स्टैट्स होंगे एक्यूरेटली, जिनको एक्चुअली ग्रेजुएशन से पहले दे हैव मल्टीपल जॉब ऑफर्स, राइट। हमने किया क्या, एक तो आपको समय ने बताया कि सुबह 9 बजे बच्चा आता है, रात को 10 बजे जाता है, तो ये जो ड्यूरेशन है वो हमने एक तो ज्यादा की। अच्छा, इस ड्यूरेशन के अंदर बच्चा करता क्या है, हमने ये ज़ूम किया कि जो 3 साल बच्चे ने पढ़ा है ना वो हमने रीडू करना है विद इन 2 सेमेस्टर। अब वो रीडू करने का तरीका यही था कि जो बच्चा पहले सेमेस्टर में बेसिकली जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है वो हमने उनको 3 हफ्ते में करवाई। कैसे करवाई, कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वर्कशॉप्स की, मतलब एक तो होता है ना नॉर्मल लेक्चर जो कि 1.5 घंटे का होगा, फिर उसकी क्विज होगा, फिर उसके मिड टर्म होंगे और सारी चीजें होंगी, HSC की रिक्वायरमेंट। हमने कहा भाई देयर इज नो मिड टर्म, कोई ऐसी चीज नहीं है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में यू हैव अ टास्क जो आपका आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको देता है, यू हैव अ डेडलाइन, दिस इज इट। इसके बाद और बड़े काम होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। बिल्कुल उसी पैटर्न में हमने कहा जी ये काम है आपके पास, ये आपके पास डेडलाइन है, इफ यू फील कि आपके पास टाइम कम है ये काम करने के लिए तो डोंट स्लीप ओवरनाइट। मतलब इफ यू हैव अ लूमिंग डेडलाइन, मतलब हम भी सॉफ्टवेयर हाउस में जागते हैं 3-3 दिन अगर अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो रहा तो हम जागते हैं, क्योंकि हमारा क्लाइंट सर पे हमारे खड़ा होता है। इनको मैंने यही बोला कि डेडलाइन सर पे है और काम नहीं हो रहा तो यू आर नॉट सपोज टू स्लीप। तो कहने सर ये कैसे होगा, मैं कहा ऐसे होगा कि अगर आप इफ यू विल नॉट डिलीवर ऑन टाइम आई विल जस्ट यू नो फायर यू, आई विल मैंने आपको निकाल दूंगा सॉफ्टवेयर हाउस से। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक दैट प्रेशर। अच्छा, इस प्रेशर का फायदा क्या हुआ, अच्छा ये हमने उनकी बेसिक प्रोग्रामिंग हमने सीधी की जो पहले सेमेस्टर में वो करते हैं एक्चुअली अपने यूनिवर्सिटी के। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना 7-8 कोर्सेज जो जो कोर कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेब इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल डेवलपमेंट, इन्हीं कोर्सेज की बेसिस के ऊपर बच्चे को जॉब मिलती है एक्चुअली। वो हमने उस बच्चे को फिर सारे के सारे 3-4 महीने में रीडू कराए सारे के सारे। अच्छा, साथ में बच्चा क्या करता है यूनिवर्सिटी में, जो दूसरा ड्रॉबैक मुझे लगता है ना वो ये लगता है कि ना बच्चे को एट टाइम यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होती है लेकिन उससे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं किया होता, यानी वो अपने CV पे लिख देता है फॉर एग्जाम्पल PHP या फॉर एग्जाम्पल लारावेल। अब उसको बेसिक्स चाहिए आती है लेकिन जब तक आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करते ना पूरे साइकिल में, यू नेवर लर्न कि यार अच्छा ये चीज ये मसला आएगा तो इसको फिक्स कैसे करना है। एक बड़ी मशहूर टर्मिनोलॉजी है IT इंडस्ट्री में, फियर ऑफ बग, कि जब बग आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये फिक्स कैसे होगा। अब इस फियर को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, यू प्रैक्टिस मोर। जितना आप घबराओगे बग फिक्सिंग के से, आप यू कैन नॉट बिकम अ प्रोग्रामर। तो हम 3-4 महीने में बच्चे की बेसिक सीधी करते हैं अच्छा खासा रगड़ा लगा के, और दूसरे सेमेस्टर में फिर वो अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी की डिमांड है, जो HSE कहता है ना कि प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल उसी से अलाइन। तो पहले एक सेमेस्टर में बच्चे को हम टेक्निकली इंप्रूव करते हैं बहुत ज्यादा, फिर जो HSE की रिक्वायरमेंट होती है कि रिक्वायरमेंट फेज के कुछ मार्क्स हैं, डिजाइन फेज के कुछ मार्क्स हैं, बच्चा पहले सेमेस्टर में ये चीजें इन पैरेलल कर रहा होता है, यानी एक तरफ उसको हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी जो प्रोजेक्ट का Phase 1 और Phase 2 है वो एक्चुअली इन पैरेलल चल रहा है। तो ये इट्स कंबाइंड टुगेदर, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। यानी बच्चा एट टाइम कहता है कि सर मेरा वीकेंड भी ऑन कर दें, क्योंकि दो टाइम। मैं भी यही क्वेश्चन करने वाली थी कि लाइक इट्स रियली हेक्टिक एंड वेरी प्रेशराइज्ड थिंग। तो लाइक जिस तरह से आपने बताया कि अभी बच्चों को आप 13 आवर्स देते थे कि जी यू हैव टू डन एंड यू हैव टू बी ऑन 13 आवर्स देयर, तो इजंट इट सो हार्ड फॉर देम? और मतलब क्या आप इस तरह से वो कर सकते हो, काम हो सकता है और इस तरह से हुआ काम प्रॉपरली? राइट, देखिए अब मैं इसको आपने क्वेश्चन अच्छा किया, मैं इसको रिवर्स करता हूँ थोड़ा सा। अगर बच्चा ये चीज अपनी एकेडमिक लाइफ में नहीं करेगा ना, जब वो सॉफ्टवेयर हाउस में जाएगा ना तो वहां तो होता ही ऐसे, यही गैप है एक्चुअली। ये भी एक गैप का पोर्शन है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी में होता है ना उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी होती है कि क्लास पढ़ी नहीं पढ़ी, बंक कर ली क्लास, मतलब बहुत कैजुअल माहौल होता है। जैसे ही वो ट्रांजिशन करता है ना जॉब में, वो एकदम परेशान होती है यार मैं किधर आ गया हूँ, मतलब कुछ अर्सा पहले तो मैं याशी कर रहा था, अब एकदम ये मेरे पास मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है 12 घंटे, मतलब तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। जैसे मैंने बताया ना कि पहले कुछ मंथ बच्चों को टाइम लगता है अकोमोडेट होने में टू दिस रूटीन, क्योंकि उन्होंने अच्छा एक चीज
मैं बताना भूल गया, जो विच विल एड मोर स्पाइस टू देयर मिजरी, जो साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं, चार पांच कोर्स भी कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो चार पांच कोर्सेस, 12-13 घंटे काम, और जब काम करना है उसकी भी दो स्ट्रीम है, एक प्रोजेक्ट का फेज वन और साथ में टेक्निकल चीजें, ये तीन चीजें बच्चा पैरेलल कर रहा होता है। पिछले 6 साल में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि शुरू के महीने में ना बच्चे ज्यादा घबराते हैं कि ये नहीं होगा, वो जिसमें कहते हैं ना कि डिनाइल मोड में है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत जालिम लोग हैं ये बड़े अच्छे लोग नहीं है। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि यार हमारे सीनियर्स के पास जॉब्स हैं, जब सीनियर्स को जॉब ठक ठक मिल रही है और कंपनीज उसके पास आ रही हैं और कंपनीज कह रही हैं कि भाई खुदा के लिए हमें ज्वाइन कर लो, तो दैट इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम एक्चुअली। तो एक टर्मिनोलॉजी हमने रखी हुई है बड़ी मजे की, मतलब उसको हम कहते हैं यार कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम आता है ना, जिसको हम जो जो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, उसको हम डायरेक्टली उसकी ट्रेनिंग नहीं शुरू करवाते, उसके लिए हमने 2 हफ्ते का टाइम रखा होता है। 2 हफ्ते का टाइम में हमें ये कहते हैं कि अच्छा यार तुम 2 हफ्ते में हमने तुम्हें ये टेस्ट करना है कि अगर तो तुम बर्दाश्त कर सकते हो प्रेशर, देन यू विल स्टे, अदरवाइज जस्ट टेल मी ऑफलाइन के सर मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो बहुत दफा होता है कि 20-25% बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं सर हम नहीं कर सकते, हमारे बस की चीज नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, तू यू गो विद द स्ट्रीम देन, जो बाकी सारी अवाम कर रही है आप वो करो, तो इट्स बेटर कि आप मतलब आप किसी और की, आप किसी और को मैं बुला लेता हूँ, ठीक है। डेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. यस, और दूसरा ये इश्यू होता है, मैं उन्हें बोलता हूँ यार कि अगर इफ यू फील कि तुम रास्ते में, आई मीन आफ्टर 2 मंथ तुम कहोगे सर मेरी आई एम नॉट एबल टू डू इट, तो वो फिर उस बच्चे के साथ ज्यादा हो जाएगी जिसको मैंने ड्रॉप किया है, यानी जो मेरिट पे नहीं आया और टॉप मेरिट लिस्ट पे है, और उसको मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यू वर देयर। तो फिर 2-3 हफ्ते के बाद मैं इनकी रीवैल्यूएशन हम लोग करवाते हैं कि अच्छा जी क्या हाल है, वेयर यू स्टैंड। तो शुरू के 2-3 हफ्ते इनके लिए बहुत टफ होते हैं, तो एंड और लेकिन अब ये होता है कि इनको ये पता होता है यार कि अब जिस भी हम प्रोसेस से गुजरेंगे एट द एंड ऑफ द डे जॉब मिल जाएगी हमें, तो वो उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। मतलब इफ आई टेल यू द स्टैट्स, मतलब हमारे पास आप समझिए कि जो सीट्स अवेलेबल होती है ना किसी एक बैच के लिए, वो हार्डली 15 से 16 होती है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती। अब 15-16 सीट्स के अगेंस्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती है ना, वो आती है अराउंड 250-300, यानी मतलब आप समझे कि एक सीट के अगेंस्ट 16-17 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अब इट्स बिकमिंग वेरी कंपेटिटिव। तो अब हमने अभी, क्योंकि ये हम चीज लाहौर में कर रहे हैं, तो अब मुझे बहुत सारे बच्चे टैग करते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, ईमेल्स करते हैं कि सर व्हाई इन लाहौर ओनली, मतलब और सिटीज क्यों नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हम लोग आए कहते हैं कि यार हमने तो ये पायलट शुरू किया था, मतलब वी डोंट मीन टू यू नो स्केल इट, लेकिन वो अब हम स्केल करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट्स इसके बड़े मजे के हैं, तो क्योंकि हमने एंड एंड ऑनेस्टली ड्यूरिंग दिस टाइम, आई मीन हम लोगों ने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर एचएससी को हमने बताने की कोशिश की एक दो मरतबा कि यार आप लोग प्लीज थोड़ा सा एक्शन की तरफ आए, मतलब एनालिसिस बाय पैरालिसिस मत करें। तो बट यू नो आई मीन इट्स टिपिकल ब्यूरोक्रेसी, तो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप एक्शन की तरफ चले जाएं। तो दिस दैट वाज अ बैकग्राउंड एंड दिस इज हाउ वी फिक्स इट। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को अब जॉब मिल जाती है कम से कम, वो उनको ये मसला नहीं होता। सर, ये बहुत बहुत बेहतरीन तरीका भी है. ऑल्दो ये थोड़ा टफ है, बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई हेड बाय माय सेल्फ एज एन स्टूडेंट, आई फील लाइक ओके दिस इज वेरी प्रेशराइज्ड, बट बाय द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द जॉब. दिस इज द बेस्ट थिंग. तो सर, जिस तरह से हम इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी हमने एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स के बारे में भी बात कर लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है और किस तरह से होती है. तो यहाँ पे और भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे. उसमें से एक फैक्टर जो मेरे माइंड में था वो ये था कि फैकल्टी फैक्टर. तो उसको भी थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं कि ये किस तरह से जो है बहुत प्रोवोक करता है हमारे स्टूडेंट्स को कि वो अपने स्किल्स की तरफ नहीं पहुंच पाते, जो स्किल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है जॉब लेने के लिए. अच्छा, अब इफ आई विल रीपुट दिस रीफ्रेज दिस क्वेश्चन या रीफ्रेज द आंसर, नॉट क्वेश्चन, देखें क्योंकि मैं भी एक फॉर्मर एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ना आई हैव सर्व एज अ फैकल्टी मेंबर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आई नो दैट यू नो दैट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम आल्सो। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, तो एक तरफ तो आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा दूसरी तरफ ये होता है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लोड इतना होता है
कि फॉर एग्जाम्पल आप मतलब अगर मैं अपने पे लेके बात करूं, मतलब व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी आई वाज पार्ट ऑफ लाइक 6-7 कमेटीज, डिसिप्लिन कमेटी, कंप्यूटर साइंस कमेटी, IEEE कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी, फाइनेंस, बहुत सारी कमेटीज के आप पार्ट हैं। अच्छा, अब आप जब किसी डिफरेंट कमेटीज के पार्ट होंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्लान देयर एक्टिविटीज, यू हैव टू गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व। मतलब अब हमारी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में लैब्स हैं, मतलब आपके मतलब मुमकिन नहीं होगा कि किसी एक फैकल्टी मेंबर के अंडर लैब आ जाएगी, किसी एक फैकल्टी मेंबर के अंडर सेल परचेज आ जाएगी, किसी एक फैकल्टी मेंबर के अंडर फॉर एग्जाम्पल ये मेक श्योर करना होगा कि बाकी क्लासेस टाइम पे हो रही हो, या ये मेक श्योर करना होगा कि जो HSE ने मतलब एक कोर्स के अगेंस्ट उनके मतलब 10-12 फॉर्म होते हैं, इफ आई मे लाइक पुट इट, तो वो 12 फॉर्म को फिल करके इंश्योर करना कि हाँ जी फिल हो रहे हैं, फाइलें बन रही हैं, जो एट द एंड ऑफ द डे HSE मांगेगा आके तो उसको देनी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड इतना ज्यादा फैकल्टी के ऊपर हो जाता है कि आई नो अ लॉट ऑफ ए गुड, वेरी गुड फैकल्टी मेंबर्स जो हु वांट टू गेट देमसेल्फ यू नो अपग्रेडेड, अपडेटेड, और वो करते भी हैं, लेकिन वो एक वो ह्यूमन कैपेसिटी का फैक्टर भी आ जाता है ना, कि मतलब आप बंदा 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता ना, तो उस एस्पेक्ट का ना उस एस्पेक्ट की वजह से मुझे लगता है एट टाइम कि जो फैकल्टी मेंबर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते भी है ना, उस पे उनको हम इतना ओवरलोड कर देते हैं, इतना आ, आ, इतना उनका उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड है इतना ब्लॉट हो जाता है कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहता। अब नाउ अगेन अगेन इट रूट बैक टू दिस HSE। कभी आप को मौका मिले तो आई विल ट्राई टू शो के मतलब लेट्स से अगर एक सेमेस्टर में 20 को या 10 कोर्स या 15 कोर्स एक डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है, तो एक कोर्स के अगेंस्ट HSE की रिक्वायरमेंट है कि आपने 5 से 6 फॉर्म फिल करने हैं। जब भी लेक्चर होगा ना तो उसका एक अटेंडेंस का फॉर्म होगा, एक कोर्स का फॉर्म होगा, एक क्या चीज पढ़ाई है उसका फॉर्म होगा, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। तो क्यों चाहिए? क्योंकि यूनिवर्सिटी की फंडिंग लिंक होती है उससे, मतलब जब HSE वाले ऑडिट करेंगे तो दे आपने एक टर्म सुनी होगी कि HSE रैंकिंग करता है यूनिवर्सिटीज की, ठीक है? अब जितनी अच्छी किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है ऑब्वियसली उतना ही उनको फंड मिलता है, और रैंकिंग इन फॉर्म से ड्राइव होती है, मतलब मैनुअल फॉर्म से। मतलब इफ आई विल टेल यू, मतलब हम HSE को फॉर्म फिल करके मतलब वी यूज टू TCS देम, या हार्ड फॉर्म में जाते हैं, इट्स नॉट सॉफ्ट फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म नहीं है, मतलब देयर इज नो ऑनलाइन सिस्टम जिसपे जाके हम लॉक कर देंगे अच्छा आज ये पढ़ाया था, ऐसा भी नहीं है, मैनुअली आपने फिल करना है, और फिर उसको एक कोई एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा होगा वो साइन करेगा, फिर जो कंसर्न फैकल्टी मेंबर होगा जिसकी जिम्मेदारी है वो मेक श्योर करना कि फॉर्म फिल हो वो साइन करेगा, फिर यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिसर साइन करेगा, बट इट्स लेबोरियस, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि और HSE वालों ने साल में एक मरतब आना है, वो HSE है, उनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन है मुझे NCAG करके है आई थिंक, उनके फॉर्म होते हैं एक्चुअली। तो मुझे नहीं समझ आती, मतलब अगर मैं फॉर्म में कुछ लिख भी दूं कि मैंने पढ़ाया है और मैं अगर नहीं पढ़ा रहा फॉर एग्जाम्पल, तो वॉट वैल्यू इट इज गिविंग, आई मीन तो वही सरकारी इदारों में ना, वो आप कह लें कि वो फाइलों फाइलों का पेट नहीं भरते जिसमें कहते हैं, एक काम वो करते हैं, यू यू नेवर गॉट टू नो अबाउट दैट, एक काम ही चल रहा है फिर तो इतना से. हाँ। और एट द एंड ऑफ द डे ना जो सफर करता है ना एक्चुअली वो करता है बच्चा, क्योंकि मतलब टीचर को वो फॉलो कर रहे होते हैं ना, बच्चा टीचर को फॉलो कर रहा है कि अच्छा टीचर मेरा कैसे बिहेव कर रहा है, मुझे क्या पढ़ा रहा है, और होना भी ऐसे चाहिए, आइडियली होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन जब टीचर के पास टाइम ही नहीं होगा, मतलब मैंने आई नो वेरी गुड फैकल्टी मेंबर्स जो आई मीन हु वर्क ओवर द वीकेंड टू अपडेट देमसेल्फ, राइट? आई नो अ लॉट ऑफ गाइस, लेकिन आई मीन इट्स नॉट यू कैन नॉट जनरलाइज इट ना, मतलब आई मीन वीकेंड पे मतलब इट्स नॉट नॉर्मल फॉर फॉर गाइस कि वो वीकेंड पे काम करें, और फिर एक वो ऑब्वियसली फिर एक वो कंफर्ट जोन का भी फैक्टर आ जाता है ना कि अच्छा जी कि ठीक है, मतलब देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज जो किसी भी टिपिकल सरकारी इदारे की तरह आई मीन यूनिवर्सिटीज में भी होते कि यार चलो चल रहा है ना बस ठीक है, तो वो फैक्टर भी है, वो तो देखें ये हर जगह होते हैं ऐसे ऐसी चीजें,
लेकिन ये कि मेरा हमेशा से ये मौकफ रहा या ओपिनियन रहा है कि एचएससी शुड रिफॉर्म देमसेल्फ। मतलब अगर कभी मौका मिला हो आपको, अगर आप इनकी कोई मीटिंग मिनट्स पढ़ लें या मीटिंग अटेंड, अल्लाह ना करे कभी करे कोई, कभी कर लें, तो आप ये कहेंगे यार ये मतलब व्हाई यू गाइस आर सो फार अवे फ्रॉम रियलिटी। मतलब दुनिया में, दुनिया कहाँ से, में रह रहे हैं ना, एक्चुअली दे आर लिविंग इन 80s. हमारे जो मोस्टली सोसाइटी के लोग हैं वो 80s में ही रह रहे हैं, 90s में रह रहे हैं. दे आर नॉट कमिंग विद द टाइम के हम लोग इस टाइम पे आ गए और यहाँ पर टाइम रिक्वायरमेंट ये है और उसको उसके अकॉर्डिंगली लेकर चलना चाहिए. हाँ यू आर वेरी राइट। और दूसरा इसमें एस्पेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मतलब अब मैं थोड़ा सा ब्लेम फैकल्टी के अलावा जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो एचएससी हो गया ना, फिर एक यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है ना, मतलब यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा सा ना आप कह लें ऑब्वियसली दे आर अंडर द प्रेशर ऑफ एचएससी, लेकिन आई मीन मेरा ओपिनियन ये रहा है कि दिस इज वेयर द लीडरशिप कम्स एक्चुअली। मतलब ये मैं नहीं कम से कम मान सकता कि जो यूनिवर्सिटी में ऊपर बैठे हैं मैनेजमेंट में दे डोंट नो दिस प्रॉब्लम, मैं नहीं मान सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इश्यू ये आता है कि हु इज विलिंग टू टेक द स्टांस और हु इज विलिंग टू टेक द इनिशिएटिव। तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखें यूनिवर्सिटी किसके लिए हम बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। मतलब हम मतलब वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि बच्चों को जॉब मिल जाए। तो अगर क्योंकि आजकल और आजकल समाज में पिछले 10 12 15 साल ही है कि हमारा फोकस ये रहा है कि ना भाई नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स ना वो फिगर बड़ी अच्छी आनी चाहिए, वाह वाह हमने भाई 50,000 बच्चे ग्रेजुएट कर दिए, हमने लाख बच्चे ग्रेजुएट कर दिया, बहुत अच्छी चीज है। मतलब अब मैं कुछ सुन रहा हूँ कि कुछ जो हमारे मिनिस्टर हैं ये आईटी के मिनिस्टर हैं, साइंस के हैं और एक दो और मिनिस्टर हैं, दे हैव नाउ स्टार्टेड टू से दिस थिंग। ये जो पंजाब के अभी एचएससी जो पंजाब एचएससी के मिनिस्टर हैं, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, आई हैव हर्ड समवेयर कि दे हैव स्टार्टेड एक्चुअली दिस थिंग कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रेलेवेंट एजुकेशन। एग्जैक्टली मतलब के मतलब लाख ग्रेजुएट मैंने हमारी यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस कर रही हैं और जो आईटी की इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि भाई किधर हैं वो बच्चे जिनको काम आता है। तो मतलब यूनिवर्सिटीज पे भी ना उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जितनी एचएससी की आती है, क्योंकि सरकारी इदारों में बट आई हैव एक्सपीरियंस देर इज ऑलवेज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली. इट्स जस्ट अ और मैटर ऑफ वी नीड टू फाइंड आउट. यस इट ऑल डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन। अगर आप मसले का सोल्यूशन चाहते हैं ना तो बिलीव मी, मुझे भी 15 16 साल हो गए इन लोगों से इंटरेक्ट करते करते, तो देर इज अ सोल्यूशन, देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी एंड देन वी विल गो टू द सॉल्यूशन कि हम इसको किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं. और आपने श्योर काफी हद तक बता भी दिया कि हमने किस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो प्लीज कैन वी हैव द कमेंट्स ऑफ आवर पीपल, हम लोग जान लें कि हम लोगों के साथ क्या क्या कमेंट्स है और क्या क्या हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. जवाद अहमद है कि सर कोई अच्छे से स्किल शेयर कर दें. सर कोई ओके स्किल हो जो आप शेयर करेंगे. ओके। देखिए ये मैं भी अनदर डे आई वाज गिविंग अ टॉक इन अनदर यूनिवर्सिटी, तो सेम क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ केम इन के सर हम क्या करें, हम एक वहां पे मैंने एग्जांपल दी थी कि ना कि थिंक ग्लोबली बट प्लान लोकली। इससे मुराद ये कि मतलब कि अगर लेट सपोज अगर 30,000 बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है तो 30,000 बच्चे ने फेसबुक में नहीं चले जाना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, 30,000 बच्चे ने गूगल में नहीं चले जाना। तो आई मीन तो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर हाउसेस का भी सोच लो, पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री का भी सोच लो, तो ये डायरेक्टली लिंक है। मतलब कि आपने बहुत ज्यादा आजकल बजवर्ड सुने होंगे, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजें, या फ्लटर फॉर एग्जाम्पल। अब आज भी पाकिस्तान में जो ज्यादातर हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना वो मिड से स्मॉल है, स्मॉल रेंज के हैं। तो मेरी सजेशन हमेशा ये रही है कि वेब डेवलपमेंट जिसके अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक पीएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क है, लारावेल है, रिएक्ट है, डॉट नेट के फ्रेमवर्क्स हैं, अगर एंगुलर है, नोड है, आप कोई भी फ्रेमवर्क पकड़ लो। मतलब बाय द वे जो हम लोग फॉलो करते हैं ज्यादातर आजकल, जिसकी मतलब जिस इनिशिएटिव की मैं बात कर रहा हूँ, हम उनको पीएचपी लारावेल फ्रेमवर्क में हम ट्रेन करते हैं, क्योंकि दिस इज इन डिमांड, इन डिमांड बिल्कुल दिस डेज। और
और मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि भाई रोजी डॉट पीके पे जरूर जाओ, दैट इज द बिगेस्ट जॉब पोर्टल, लुक सी इट बाय योर सेल्फ, खुद जाके देख लो कि किस चीज की कितनी जॉब है आजकल, तो हर चीज हर बच्चे के पास अवेलेबल है। तो गो फॉर PHP, गो फॉर लारावेल या रिएक्ट, इनकी बेतहाशा जॉब्स है मार्केट में। कोई अगर मुझे आज के जमाने में ये कहते ना कि सर मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरा पहला कमेंट ही होता है यार तुम्हारे पास भाई रेलिवेंट स्किल नहीं है। तो लेकिन प्लीज प्लीज मतलब ऐसा नहीं करें कि आपने गूगल खोला, आपने PHP.net पे गए, आपने PHP के बारे में कुछ पढ़ लिया, आपने कहा सर मुझे तो PHP आ गई है, अब मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट, मतलब सिंसियर तरीके से एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट आप जब तक नहीं ना करेंगे, यू कैन नॉट से कि सर हमें आई एम एलिजिबल फॉर जॉब और नॉट। तो गो फॉर PHP बेस्ड फ्रेमवर्क्स, फेसबुक भी PHP के अंदर बना हुआ है, तो इसकी जॉब लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा है। एंड बाय द वे आई बाय इंप्लाइंग दिस, आई एम नॉट बाय एनी मीन्स सेइंग कि भाई बाय नहीं जाना आप लोगों ने, जाएं प्लीज जाएं, लेकिन 30,000 बच्चा ह्यूमनली नहीं जा सकता बाहर प्रैक्टिकली, खासतौर पर आजकल कोविड है तो ट्रेवलिंग वैसे ही बैन है, तो प्लीज पाकिस्तान में पाकिस्तान का भी थोड़ा सोच लो। डेफिनेटली सर, पाकिस्तान क्योंकि पहली चीज है, पहली प्रायोरिटी है। नदीम खान है, वो कह रहे हैं सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और कंप्यूटर का कोर्स करना चाहता हूँ, कहाँ से करूँ? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मेरा आई मीन आई एम नॉट श्योर के कंप्यूटर का कोर्स करके क्या मतलब, ये कोई प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना, आई मीन डिड डू ही वॉन्ट टू चेंज हिज फील्ड, या आई मीन या सिर्फ क्योंकि आजकल तो IT हर फील्ड में ही है ना, हर फील्ड में मतलब लॉ में भी उसकी एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली डिफरेंट लेवल पे होगी। तो देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, एक वो EVS एक इंस्टीट्यूट है, देयर इज अ इंस्टीट्यूट इन अरफा करीम टावर इन लाहौर व्हिच आई हैव हर्ड दे आर गुड, लेकिन ट्राई टू अटेंड, एक टर्म आजकल लाहौर में बहुत ज्यादा है बल्कि दुनिया में के बूट कैंप्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये जो मैंने आपको पूरा आइडिया बताया था इसको सॉर्ट ऑफ आप बूट कैंप्स कह लें कि 8 से 10 वीक में आपको फुल रगड़ा लगा के ना एक एक क्रैश कोर्स विद हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट अमूमन ये लोग करवा देते हैं। तो आजकल हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर हाउसेस इस तरह के इनिशिएटिव लें कि दे शुड गेट द स्टूडेंट फ्रॉम फाइनल ईयर और उनको फिर ये सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर रह के और ट्रेन करें। तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप फील्ड स्विच करना चाहते हैं अगर, देन ट्राई टू गेट योरसेल्फ अटैच विद एनी सॉफ्टवेयर हाउस जो कि आपको इंटर्नशिप के तौर पर रख ले, जो नॉलेज आपको सॉफ्टवेयर हाउस का बंदा आपको प्रोवाइड करेगा ना वो मतलब आपको फैकल्टी या टीचर मतलब इट्स डिफिकल्ट कि वो आपको प्रोवाइड करे। ओके, यहाँ पे एक हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट है, बल्बिशर अफरीदी का, वो कह रहे हैं सर माय रिक्वेस्ट मस्ट बी टू रीच आउट रिस्पांसिबल पर्सन एंड गवर्नमेंट एंड द स्टूडेंट्स ऑफ पाटा डोंट हैव द फैसिलिटीज टू गेट देयर क्लासेस ऑनलाइन बट स्टिल दे लव पाकिस्तान एंड डू अ लॉट ऑफ टास्क फ्रॉम इट, गिव देम अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटेट दैट दे कुड शाइन एंड स्प्रेड द नेम ऑफ पाकिस्तान, दैट्स वेरी गुड। यस दैट्स वेरी नाइस, इनिशिएटिव लेने वाली बात है, मतलब आप यू हैव टू डू फर्स्ट स्टेप एंड देन राइट। इसमें मैं सिर्फ राइट इसमें मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा कि दिस जिस इनिशिएटिव का मैंने जिक्र किया आपसे जो हम पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, दैट इनिशिएटिव इज एक्चुअली ओपन फॉर एवरी स्टूडेंट अक्रॉस पाकिस्तान। तो उसमें मेरे पास मतलब वहां पे स्टूडेंट्स आप समझे मर्दान से भी हमारे पास आते हैं, आई गॉट वन स्टूडेंट जो के बलोचिस्तान सिंध के रिमोट सिंध के रिमोट एरिया थरपारकर से वो बच्चा आया हुआ है स्पेशली लाहौर के अंदर, उसके बाद इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं, आप समझे पिशावर KPK से लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे स्पेशली लाहौर में रहते हैं आके, लेकिन ऑब्वियसली इसका स्केल अभी ऑब्वियसली क्योंकि जब बच्चा अपना होम सिटी छोड़ के ऑब्वियसली जब आता है लाहौर में तो ऑब्वियसली उसके कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं ना कि आपने यू हैव टू होस्टल अरेंज करना है, अपने खुद से अपना खाना पीना अरेंज करना है, तो इट कॉस्ट। तो दूसरा ये कि आजकल कोविड है तो वी आर डूइंग क्लासेस और वी आर डूइंग दिस इनिशिएटिव ऑनलाइन। ऑनलाइन में ऑब्वियसली वो आपको क्या नाम है वो एक्चुअली वो चीज आपको
आपके पास नहीं आती जो फिजिकल क्लासेस में होती है, ठीक है? बट यस, आई थिंक गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू इट, लेकिन लाइक आई हैव सेड अर्लियर, गवर्नमेंट इज ऑलवेज स्लो, एंड आई रियली अप्रिशिएट के फाटा से लोग ज्वाइन होके, आई नो दे लव पाकिस्तान अलॉट, बट आई मीन गवर्नमेंट इज सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू रीच आउट टू देम, सो वी विल ट्राई. फ्यूचर में दे विल रीच आउट टू देम एंड एज वेल. तो सर, हम सोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो सोल्यूशन पे वापस आते हैं कि क्या सोल्यूशन फिर आपने इसका जो है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कौन से ऐसे सोल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट किए, जो जिनमें से आपने कुछ बता भी दिए हैं इन द वेरी स्टार्ट. सोल्यूशन बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको विल चाहिए. बहुत सिंपल सोल्यूशन है. सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि जो फाइनल ईयर है ना यूनिवर्सिटीज का या स्टूडेंट्स का, वो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस को से आप कनेक्ट होके उन्हें कहेंगे यू टेक केयर ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट, मतलब यू यू शुड रन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस स्टूडेंट्स विल कम टू यू फॉर इंटरव्यू फॉर जॉब. तो ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है. और इवन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बात करेंगे, दे विल इवन पे स्टूडेंट्स लाइक इंटर्नशिप, दे विल पे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हमें हायरिंग में फॉर एग्जांपल इतना मसला है, तो वी वोंट माइंड पेइंग द स्टूडेंट्स लाइक जैसा स्टाइपेंड होता है 10-15 हज़ार रुपए, वी वोंट माइंड एक्चुअली. तो ये सोल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको ना वो क्या कहते हैं, यू नीड टू पुट योर फुट डाउन. आपको थोड़ा सा यू हैव टू टेक व्हाट वी कैन से, यू हैव टू टेक द प्रेशर, आई मीन आपको लीड लेनी है कि नियत का वर्ड नहीं मैं यूज करूंगा, लेकिन ये कि यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, कि ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि इसके अंदर प्रो आ जाता है ना कि आई मीन और फैक्टर्स भी आ जाते हैं ना, कि एचएससी का फैक्टर, जो फैकल्टी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ऑब्वियसली उनके साथ भी यू हैव टू मेक श्योर के दे आर ऑन बोर्ड. तो लेकिन सोल्यूशन का बहुत सिंपल है, जो कि हमने करके भी देखा है, कि इंडस्ट्री के लोगों को इंगेज करें, बेसिकली ये सोल्यूशन है कि आइसोलेशन में ना काम करें, एंड फाइनल ईयर इज द बेस्ट 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 टाइम फॉर द स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स. तो अगर हम फाइनल ईयर को एक्चुअली व्हाट वी हैव ट्राइड अर्लियर, कि हमने एचएससी के या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कि जी आप ना फाइनल ईयर से पहले बच्चों को कोर्स वर्क करा दें, एंड देन गिव देम टू सॉफ्टवेयर हाउसेस, कि जी आप सुबह 9 से रात 10 बजे तक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें. तो फिर ऑब्वियसली कुछ उसमें ऑपरेशनल इश्यूज भी आ जाते हैं, कि एचएससी कहते हैं जी के आखिरी ईयर में बच्चों को आपने क्यों नहीं पढ़ा रहे, व्हाई देर आर नो यू नो बिग फॉर्म्स कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज एवरी 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 सेमेस्टर. तो वो एक तो वो देखना पड़ता है टॉप मैनेजमेंट को ना, लेकिन सोल्यूशन बहुत सिंपल है, इंडस्ट्री के लोगों को एंगेज करें आप इस पूरे इनिशिएटिव में तो ये जो क्लास में. आपने सोल्यूशन इसका निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि क्या बाकी यूनिवर्सिटीज भी इसको इसी तरह से लेकर चल सकती हैं? क्या उनमें भी इतना स्टेमिना है कि वो अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करके उनको इतना सब कुछ सिखा सकते हैं? So I don't think so. Everyone have the guts. अच्छा, मेरा इसमें ना थोड़ा सा इनपुट ये है कि बच्चों को अगर ये पता हो ना कि एक तो इस चीज से उनका ग्रेड लिंक है, राइटली और रॉन्गली, कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके 6 क्रेडिट आवर होते हैं, तो उसके ग्रेड का वैल्यू है इन जीपीए. हालांकि मैं जीपीए के बिल्कुल उसके उसमें नहीं हूँ, उसके फेवर में नहीं हूँ कि बच्चे का जीपीए अच्छा होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट साइकी है ना कि सर मेरा ग्रेड भी अच्छा होगा. तो बच्चे को ये पता होगा ना कि मैं जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पास जब तक मैं नहीं करूंगा तो मेरा जीपीए अच्छा नहीं होगा, एक तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर है. दूसरा है कि बच्चों को इतनी अवेयरनेस है आजकल ना, कि दे नो कि यार ये इस चीज को मैं करूंगा तो जॉब मिल जाएगी मुझे, तो वो 10-12 घंटे काम कर लेते हैं. मतलब ऑब्वियसली शुरू में जैसे मैंने बोला कि रेजिस्टेंस आती है, लेकिन दे विल डू इट. लेकिन दूसरा जो आपका क्वेश्चन था ना कि क्या यूनिवर्सिटीज ये कर सकती हैं कि नहीं, क्योंकि इनिशिएटिव बच्चों ने लेना, इनिशिएटिव लेना है यूनिवर्सिटीज ने. तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज इसको बिल्कुल अडॉप्ट कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं? सिर्फ फर्क ये कि क्या उनके अंदर इनिशिएटिव का जो के बाद जो प्रेशर आता है, पहले तो बच्चों से ही आएगा प्रेशर कि हम क्यों 12-13 घंटे काम करें, और फिर ऑब्वियसली एचएससी से आएगा, यू नो विद इन फैकल्टी आएगा, स्टफ लाइक दिस, लेकिन ज्यादा प्रेशर एचएससी से आएगा. तो
तो यू और HSC को भी हैंडल करने का मतलब यू कैन गिव देम आई मीन फॉर्म वगैरह वह चीज हो जाती है। तो आई मीन बाकी यूनिवर्सिटीज को स्केल करना चाहिए, क्योंकि मुझे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चे बहुत ज्यादा हमें अप्रोच करते हैं। मुझे अभी भी याद है एक मतलब स्टूडेंट था, उसने किसी के थ्रू सिफारिश करवाई कि जी मुझे आप इसमें एडमिशन दें। मैं कहा भाई आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, आई जस्ट कांट डू इट। तो खासी डिटेल उससे बातचीत हुई चली, लेकिन इट एट द एंड ऑफ द डे इट स्टॉप एट द डिसीजन मेकिंग थिंग कि यार ये करना भी चाहिए, करेंगे तो यू नो स्केप्टिसिज्म आ जाता है। तो लेकिन मेरे ख्याल में जो हम लोग ये अच्छा एक इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है पाकिस्तान के ऊपर एट अ नेशनल लेवल, वो है कि आप देखेंगे जो IT की एक्सपोर्ट है ना वो पिछले साल थी 1.5 या 1.25 बिलियन, राइट। अब ये पीनट्स है, इंडिया की 70 बिलियन डॉलर है। अब आप सिंपल सही देख लेंगे जो दुनिया की टॉप IT कंपनीज हैं लाइक गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन में से पढ़ा था, एक कंपनी की वर्थ ही 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा यानी 1,000 अरब से ज्यादा है, और पाकिस्तान का टोटल जो कर्जा है वो मेरे खाले 100 अरब डॉलर है मैक्सिमम। तो अगर हमसे IT के ग्रेजुएट्स की क्वालिटी ठीक कर लेना तो मेरा नहीं ख्याल मतलब अगले 4-5 साल में हमें 5-10 अरब डॉलर मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब अगर IT को हम सीधा कर लें थोड़ा सा ना, तो मेरे ख्याल में हमारे बड़े मसले जो हमें फॉरेन एक्सचेंज के IT एक्सपोर्ट के जो मसले मसाइल होते हैं ना तो वो हम बड़े ही इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगेन ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पे कुछ और प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ आई मीन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा खोलनी होती हैं, और यू नो एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन लिटरेसी रेट और पता नहीं क्या क्या चीजें भी होती हैं, लेकिन दिस इज वन की एरिया जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इसकी ROI बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छी ROI है इस पूरी चीज की। ओके तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन भी देख लिया है और हमने इसको बहुत अच्छे से एलेबोरेट भी किया है कि इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और हमने अपनी इकोनॉमी को भी देख लिया है कि हम अपने मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको भी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत पॉजिटिव पार्ट है। अगर इसको थोड़ा सा HEC और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इसको अगर अप्रूव करे और अपने लिए इम्प्लाई करे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, तो इसको मेरे ख्याल से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें और हमें हर चीज के बारे में गाइड किया और बताया कि हम इसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और IT लेवल को हम किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत मेरे ख्याल से अच्छी इसकी एक तादाद मौजूद है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और हमारे साथ रहने के लिए हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप हमें कर सकते हैं, हम सर को फॉरवर्ड करेंगे और वो इंशाल्लाह आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, Thanks. और Thanks for having me on the show. Thanks. थैंक यू सो मच सर। ओके अल्लाह हाफिज एवरीवन।